समग्र नेतृत्वगण, और आज इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड के अंदर जहां तक नजर पहुंचे वहां तक मुंड ही मुंड दिखाई रहे हैं आप सभी तेलंगाना के प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हैदराबाद के अंदर ये भाग्यनगर शहर के अंदर तेलंगाना में राष्ट्रीय कारोबारी का आयोजन किया था। अध्यक्ष जी और मोदी जी के नेतृत्व में यहां कारोबारी संपन्न हुई है। मैं तेलंगाना स्थापना दिन के दिन भी यहां पर आया था, आज भी आया हूं। मैंने तेलंगाना का मूड देखा है। मैं एक बात आज घोषणा कर जाना चाहता हूं कि केसीआर जब भी चुनाव कराना है करा लो, पहले कराओ बाद में कराओ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। तेलंगाना में अगली सरकार कमल फूल की बनने वाली है। मित्रों, टीआरएस की स्थापना तेलंगाना राज्य की मांग के लिए हुई थी। उस वक्त तेलंगाना की जनता ने नीलू निदुलू और नियमकालू ये तीन सूत्र दिए थे। मुझे बताओ तेलंगाना वालों, नीलू मिला है क्या? जरा जोर से बोलो, मिला है क्या? निदुलू मिला है क्या? और नियमकालू का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मिला है क्या? भाई केसीआर, हिसाब दो तेलंगाना की जनता को। 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? केसीआर के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब केटीआर का रोजगार है, आपका रोजगार नहीं है भाई। वो आपके रोजगार की चिंता नहीं करते हैं, वो केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इनके मन में प्यासी तेलंगाना की जनता की कोई चिंता नहीं है, बेरोजगार युवाओं की कोई चिंता नहीं है। अरे मजलिस के त्रास से सहमे हुई ये जनता की भी कोई चिंता नहीं है। दिन रात उनको एक ही चिंता है, मेरे बेटे को मैं कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं, कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं। केसीआर, आज मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगली बारी ना आपकी है ना आपके बेटे की है, अगली बारी भारतीय जनता पार्टी की। जब से तेलंगाना की रत्ना के लिए आंदोलन चला, तब से भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना की मांग का समर्थन किया था। एक कांग्रेस पार्टी थी,